हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फील द फ्लोर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक रहस्यमय बीच, चांदीपुर बीच के बारे में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। भारत में कई ऐसे विचित्र स्थान मौजूद हैं जिनका रहस्य सुलझा पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे ही रहस्यों में से एक है ओडिशा का चांदीपुर बीच। ओडिशा राज्य में चांदीपुर के छोटे से शहर में बालासोर गांव के पास चांदीपुर बीच एक ऐसा एकांत स्थान है जो रहस्य में डूबा हुआ है। ये अद्वितीय है क्योंकि समुद्र का पानी समय समय पर आंखों के सामने से गायब हो जाता है और फिर कुछ समय बाद दिखाई देने लगता है। आइए जानते हैं इस रहस्यमय बीच से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक एकांत समुद्र तट स्थित है जहां का नज़ारा देखते ही बनता है। यहां दूर एकांत में एक समुद्र तट है जहां समंदर कुछ घंटों के लिए गायब हो जाता है और फिर वापस लौट आता है। इसे किसी रहस्य से कम नहीं कहा जा सकता है। इस बीच का नाम चांदीपुर है। इस बीच पर पहुंचने के लिए बालेश्वर या बालासोर स्टेशन पर उतरना होता है जहां से चांदीपुर 30 किलोमीटर दूर है। बालासोर ओडिशा का एक छोटा सा शांत कस्बा है और चांदीपुर बीच इसी कस्बे में स्थित है। इस बीच की इस गायब होने और वापस दिखाई देने वाली प्रवृत्ति की वजह से इसे लुका छिपी बीच भी कहा जाता है या फिर हाइड एंड सीक बीच भी कहा जाता है। चांदीपुर बीच में कैसुरीना पेड़ों, प्राचीन पानी और रसीला तटीय वनस्पति से घिरी सुनहरी रेत का फैलाव है, लेकिन यहाँ हर एक दिन अजीब प्राकृतिक घटना घटती है। मानो या ना मानो, समुद्र का पानी कम ज्वार यानी कि लो टाइड के दौरान 5 किलोमीटर तक दिन में 2 बार केवल गोले को पीछे छोड़ देता है। उच्च ज्वार यानी कि हाई टाइड के दौरान पानी लौटता है। इस तरह समुद्र लुका छिपी खेलता हुआ दिखाई देता है। इस चरम प्राकृतिक घटना ने वास्तव में क्षेत्र में समुद्री जीवों की जैव विविधता को समृद्ध किया है। जब समुद्र का पानी फिर से प्रकट होता है तो यह अपने साथ केकड़े और लाल केकड़े लाता है जो अन्यथा समुद्र तट से आगे रहते हैं। इस घटना को इस समुद्र तट के लिए अद्वितीय माना जाता है। कोई निश्चित समय नहीं है कि टाइड्स यानी कि ज्वार पीछे हट जाएं क्योंकि ये चंद्रमा चक्र पर निर्भर करता है, लेकिन ये हर दिन होता है। स्थानीय लोग निम्न और उच्च ज्वार के समय से परिचित हैं। इस समुद्र तट पर सूर्योदय और सूर्यास्त विशेष रूप में शानदार प्रतीत होता है। चाहे समुद्र का पानी दिखे या न दिखे, समुद्र तट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। दोस्तों, ये अद्भुत नज़ारा देखने के लिए कम से कम एक बार आपको ओडिशा के चांदीपुर बीच की यात्रा जरूर करनी चाहिए। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।